जिस तरह से यहाँ पे हेट फैला के, अफवाह फैला के यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज को फ्लॉप किया गया, फिर से कोशिश कर रहे हैं लोग। सो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार सर की लेटेस्ट फिल्म यहाँ पे जो अपकमिंग मूवी होने वाली 2022 की अक्टूबर की दिवाली के टाइम पे गाइस रिलीज होने वाले राम सेतु, यहाँ पर उसको लेकर काफी बड़ी एक अपडेट शेयर किया गया। गाइस सिंपल सी बात है, इस मूवी को लेकर काफी बड़ी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से यहाँ पे हेट फैला के, अफवाह फैला के यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज को फ्लॉप किया गया, फिर से कोशिश कर रहे हैं लोग, कहीं से भी कुछ कमी नहीं ट्राई कर रहे हैं, हर जहां से पॉसिबल हो चाहे फेक न्यूज कुछ भी पॉसिबल हो जाए फैलाने की कोशिश करना ही करना है। सो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर जो चमन चूते रहते हैं ना, जो फिकर फ्री का किसी का वाईफाई हॉटस्पॉट लेकर के नेट पे कुछ भी अपलोड कर देते हैं, तो लोग अपलोड कर देते हैं यहाँ पर कि मूवी जो राम सेतु है यहाँ पे ओटीटी पे आएगी, डायरेक्टली थिएटर्स के अंदर नहीं आने वाली है। यहाँ पे जिस मूवी के प्रोड्यूसर है विक्रम मल्होत्रा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इन गलों से प्लीज दूर रहो, मूवी डायरेक्टली आपको थिएटर्स के अंदर मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो ओटीटी की बात हो रही थी कि डायरेक्टली अमेजोन प्राइम पे आएगी मूवी, थिएटर्स के अंदर नहीं आने वाली है, मूवी फ्लॉप हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, मैं सिंपल सी बात तो बोलना चाहूंगा कि भाई साहब इस मूवी को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ये कोई आलतू फालतू मूवी नहीं होने वाली है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि राम सेतु एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर काफी सारे लॉजिक्स हैं, काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है लोगों के माइंड में, जो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज राम सेतु है, एंड कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे गलत फहमी, गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं अक्सर वही सब अफवाह फैलाते हैं। सो यहाँ पर इस चीज को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे अक्षय कुमार एज आर्कियोलॉजिस्ट, और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला अभिषेक शर्मा, सो इतने ज्यादा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की जा रहे हैं कि राम सेतु एक मिथ है या फिर रियालिटी है। सो इस चीज को लेकर के कहीं से भी कुछ भी कमी ना रह जाए, एंड ये चीज कहीं ना कहीं लोगों के सामने ना आ जाए, इसको लेकर के कुछ जो रहते हैं ना चमन चूतिया लोग, तो वो लोग ट्राई करें कि मूवी रिलीज ना हो एंड ज्यादा लोग ना देख पाए, इसके लिए कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाएंगे, कुछ ना कुछ फेक न्यूज फैलाएंगे। सो आपको प्लीज अवेयर रहना है इस चीज को लेकर के, एंड डेफिनेटली मूवी यहाँ पे थिएटर्स के अंदर ही आएगी 2022 में, आपको 24 अक्टूबर मतलब दिवाली के दिन मूवी रिलीज होने वाली है। सो बस ये आप लोगों के साथ शेयर करना था कि ये फालतू के मैसेज को प्लीज अवॉइड करो और रेडी रहो अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली। सो डेफिनेटली बहुत सारे सपोर्ट करने वाले इस मूवी को लेकर के, गाइस अक्षय कुमार एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि काफी डेडिकेशन के साथ अपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, भले ही मूवी एक साल में भले ही 4 मूवी आए, 5 मूवी आए, 6 मूवी आए, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय कुमार हर मूवी के अंदर अपना 110% देने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप ये समझते हैं कि अक्षय कुमार की एक मूवी फ्लॉप हो गई तो दूसरी मूवी फ्लॉप होनी चाहिए या फिर उसके अंदर कुछ अच्छा काम नहीं होगा, तो आप कभी भी इस चीज को लेकर के कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अक्षय कुमार एक खिलाड़ी कुमार है एंड इनको ऐसी खिलाड़ी नहीं कहा जाते बॉलीवुड के अंदर। सो काफी सारे देखते हैं क्या कुछ होता है, बस आप लोगों के साथ शेयर करना था कि फेक मैसेज को प्लीज अवॉइड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले बाय।